के महोबा जनपद में ग्रामीण अंचल को शहरी जनजीवन से जुड़ने वाली सड़कों का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई अधिकांश सड़कें अब खस्ता हाल हो चुकी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाई गई इन पक्की सड़कों पर सरकारी खर्च तो करोड़ों में किया गया, लेकिन जनता का इन सड़कों पर चलना आज भी दुश्वार दिखाई देता है। वर्ष के 12 महीनों इन मार्गों पर पानी भरा रहता है, जिसके चलते आम आदमी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महोबा जनपद के पनवाड़ी विकास खंड में लगभग एक वर्ष से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 4 करोड़ की सरकारी लागत से बनाई गई सड़क एक वर्ष में ही खस्ता हाल हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पनवाड़ी विकास खंड से नगारा घाट तक बनाई जाने वाली पक्की सड़क एक वर्ष में ही उखड़कर भ्रष्टाचार की कहानी सुनाती नजर आ रही है। बरसात का मौसम खत्म होने के बावजूद भी इस सड़क पर बने भारी भरकम गड्ढों का पानी आज तक नहीं सूखा। लगभग 15 ग्रामीण अंचलों को पनवाड़ी विकास खंड से जोड़ने वाली सड़क पर आम जनता का चलना आज भी दुश्वार दिखाई देता है। खस्ता हाल हो चुके इस पक्के रास्ते पर चंद किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाता है। सड़क पर भारी भरकम गड्ढे होने से ग्रामीण अंचल में सरकारी एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी आसानी से नहीं मिल पाती, जिसके चलते समय से उपचार नहीं मिल पाता और हालत गंभीर होने के चलते मरीज को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ग्रामीणों की अगर माने तो रास्ता खराब होने के कारण रात को सफर तय करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओवरलोडिंग के सारे मानक तोड़ते हुए माफियाओं द्वारा ट्रकों के माध्यम से कई हजार ट्रक भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनवाए गए। इसी पक्के मार्ग से दिन रात गुजारे गए। ओवरलोडिंग का विरोध करते हुए ग्रामीण जनता ने कई बार सड़क का घेराव भी किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और खनन माफियाओं के साठ गांठ के चलते ग्रामीणों को शांत करा दिया गया। कई ग्रामीणों का मानना है कि सड़क की हालत खराब करने में भ्रष्टाचार के साथ खनन माफियाओं का भी खासा योगदान रहा और ओवरलोड ट्रकों के बार बार गुजरने के चलते भी इस सड़क की दुर्दशा हो गई। ग्रामीण अंचलों को पनवाड़ी विकास खंड से जोड़ने वाले इस मार्ग से जिले के आला हुक्मरान भी गुजरते हैं। विभागीय मीटिंग और ग्राम विकास को लेकर कई चौपाले लगाए जाने के बावजूद किसी भी अधिकारी का ध्यान अब तक इस मार्ग की दुर्दशा पर नहीं गया। विकास को लेकर वादे करने वाले राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों का भी ग्रामीण अंचलों में आना जाना होता है, लेकिन इस संपर्क मार्ग पर ना कभी नजरें इनायत की जाती है और ना ही कोई नेता कभी इस समस्या पर प्रशासन को आड़े हाथों लेता नजर आता है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। इस सड़क पर 16 गांव लगे हैं सर, और 16 गांव सब दिक्कत में है। गड्ढों की वजह से आम जनता को क्या क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, बहुत हर तरीका से परेशानी है। ऐसी कोई चीज नहीं परेशान न हो, मैंने 20 मिनट की रास्ता होने के बावजूद भी भाई जब एक घंटा लगता है न 15 किलोमीटर के लिए, एक घंटा वो भी बाइक से 20 मिनट की रास्ता एक घंटा व्यस्त चलता है आदमी। अरे हर पूरी जनता परेशान है, 16 गांव पूरे हर आदमी सरकार कर रहा है रोड पिला, हर आदमी दिक्कत है। अटकारी भी गुजरते कहीं गुजरते, अब जब 16 गांव लगे हैं तो अटकारी तो आती ही होंगे, बताइए कोई अटकारी होगी जो अटकारी ना। 16 गांव लगे हैं, 16 गांव लगे हैं तो अटकारी तो आएगा ही। स्कूल के बच्चों को इस सड़क से गुजरने किस तरह से परेशानियां पड़ती है? बहुत ही परेशानी, कई बच्चे तो गिरते हैं रोड पर भाई, दिक्कत है। लेकिन वो मजबूरी से ढेर रहे, अब कोई सुनवाई नहीं है, सुन रहे कि बोले सीसी पास हो गई, कुछ पास हो गया, देख नहीं रहा है कुछ काम। ऐसे सिलैया है, सेवड़ी है, जिन्ना लगो ना, सलालपुरा, रायपुरा, सलालपुरा, गुनगुड़, हेवतपुरा, बहुत ऐसे गाँव है, नंगारा अंगारा, मसूरपुरा, नेकपुरा, सब गाँव की रोड खराब है जी। वहाँ तक गड्ढों की वजह से आम जनता को क्या क्या परेशानियाँ? बहुत परेशानी है, मोटरसाइकिलें टूटती हैं, आदमी गिर उठती हैं, लड़का बच्चा पढ़ने नहीं आ पाते हैं। इस सड़क की शिकायत किसी अधिकारी से अब तक की गई? कई बार कही गई, कोई सुनते ही नहीं है, आते सुन जाते बस चले जाते हैं। क्या अधिकारियों को भी इस सड़क से गुजर होकर गुजरती है? आते हैं, गुजरते हैं, चले जाते हैं, देख जाते हैं, हाँ, कातराते कराते नहीं है कुछ। क्या करें बताओ, कुछ ऐसी उपाय नहीं है, कोनो काम किसको कहें किसको, कोई सुनते ही नहीं है, क्या कुछ बताने में है? बता ऐसे क्या होता है, कोई सुने तो कुछ बता। और इस सड़क पिछले 2 सालों से खराब चल रही है और इसमें अवैध खनन के
नगारा और सेवड़ी घाट से खनन हुआ बालू का अवैध खनन हुआ है। इसमें मतलब ओवर लोड की वजह से ये सड़क ध्वस्त हो गई है। इसमें हमने कई जिलाधिकारियों को और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं और सांसद जी हैं इन्हें कई बार हमने अवगत कराया है और मतलब बताया भी है और दो चार बार जाम भी लगाए हैं, लेकिन इस सड़क के मतलब कोई निर्माण नहीं हुआ अभी तक। ना इसकी मतलब मरम पट्टी हो रही है, ना कुछ गड्ढे नालियाँ भी पड़ी हैं। उस सड़क में पैदल निकलने में बहुत समस्याएं हैं और बच्चे पढ़ने जाते हैं। हमारे इस रास्ते से कम 15-20 गांव इस रोड से जुड़े हुए हैं, जो मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। और ठीक है, वैसे बच्चों को तो क्या पैदल निकलने में बहुत समस्या आती है और थोड़ी बारिश की वजह से गड्ढे नालियाँ भर जाती हैं, तो कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। और तो मतलब इसमें बहुत गंभीर हालतें हैं और इससे कोई सुनवाई नहीं हुई है और जिला अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मतलब इसे मतलब रास्ते को सही कराया जाए। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि मतलब इस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए और जो बच्चों को पढ़ने में जो मतलब अव्यवस्था मिलती है वो सभी समय पर जा नहीं पाते हैं, लेट स्कूल के लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत गड्ढा, तो बहुत कम समय आध घंटा एक घंटा लग जाता है पनवाड़ी से बुढ़िया तक जाने में। मिनिमम 2-2.5 साल हो गए हैं जब से इस सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं। आगे भी बहुत प्रॉब्लम, बहू बेटियां आती हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत दिक्कतें पड़ती है और बरसात में तो काफ़ी लोग गिरते हैं, रास्ता बंद भी हो जाती है। मैं आपसे बताऊँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस सड़क पर। अच्छा, तो ये सड़क किन किन गाँवों की गुजरी है? ये सड़क करीब वही 10 से 15 गाँव के समथिंग में होगी और ज़्यादा तक होगा। यहाँ से लेके आगे सिमरिया बुढ़ेरा, फिर आगे चले जाओ आप मसूदपुरा, उल्दन, नैपुरा, काफ़ी और हैं आगे चल के काफ़ी गांव हैं इसमें। और हर किसी भी गांव के साइड में अगर हम जाते हैं तो उस साइड में भी यही हाल है। इस रास्ते का बहुत ही ज़्यादा वो है और गड्ढे गुड्ढी तो इतने ज़्यादा, अभी आप देख सकते हैं गाड़ी जा रही है कितनी बेकार, मतलब कि यहाँ से अगर लेके हम निकलते हैं तो गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं।